मसला है। होता क्या है कि जबान में अल्फाज वो बनते हैं जिनकी ज़रूरत आए दिन पड़ती रहती है, उन्हीं चीज़ों के नाम रखे जाते हैं, उन्हीं खूबियों के लिए लफ्ज़ बनते हैं जो अक्सर हमारे सामने आती हैं, होती रहती हैं, हमारे गर्दोपेश रहती हैं। लेकिन वो बातें, वो चीज़ें, वो खूबियाँ, वो लोग जो सदी में एक आध बार हो जाए उनके लिए लफ्ज़ ही नहीं बनते, इसलिए कि उसकी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें ऐसे लोगों के बारे में और उनके अवसाफ, उनकी खूबियों और उनकी सलाहियतों के बारे में बात करनी हो, तो मालूम होता है कि खजाने में तो ऐसे लफ्ज नहीं है। ये मसला इस वक्त मेरे सामने है, मैं क्या अर्ज करूँ इतने बड़े फनकार के बारे में। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ये एक बहुत बड़ी आवाज़, बहुत बड़े फनकार ही नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है, एक रवायत है, ये वो हिंदुस्तान है जिसे आज का नाम भूल जाता है। कहाँ ढूंढते हैं हिंदुस्तान? हिंदुस्तान कोई भी भूल जो है वो होता कहाँ है? वो अपने बिल्डिंग्स में और दीवारों में और दरवाजों में और पहाड़ियों में और मैदानों में नहीं होता सिर्फ, वो उस मुल्क की तहजीब में होता है, उसके कल्चर में होता है, उसके आर्ट में होता है। वही तो मुल्क असली मुल्क, तो वही जिसे हम कहते हैं मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम जो है वो किसी कारखाने, किसी फैक्ट्री, किसी कॉरपोरेट के ऑफिस में नहीं बहती, किसी पॉलिटिशियन के यहाँ से किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में नहीं होती, वो होती है फनकारों के पास। सिफा साहब, पूरी अकीदत, पूरे एहतराम के साथ आपको सलाम करता हूँ। और ये एक ऐसे सूरज हैं जिन्होंने न जाने कितने सितारों को और सितारों को रोशनी दी है, सितारों के फैन हैं जो इनके फैन, तो हमारा रिश्ता इनसे कई पीढ़ियों का होगा।